So finally, I have completed my 1 year working at Google. तो यार गूगल मेरे लिए ना वो कंपनी थी जिसमें जाने के मैं सपने देखा करता था। और 2017 में जब मेरा एडमिशन DTU में हुआ तो मुझे लगा कि ये सपना पूरा भी हो जाएगा। अब DTU ने मुझे दो मौके दिए गूगल क्रैक करने के, पहला सेकंड ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए और दूसरा मौका थर्ड ईयर के बाद फुल टाइम के लिए। एंड आई फेल्ड बोथ ऑफ देम। मुझे काफ़ी ख़राब लगा। आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग एट क्योरफिट फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, मतलब इतना सा गैप था। एंड I got a text from Google Recruiter. We went through your profile. We liked your profile. और यहाँ पर कुछ openings हैं. If you are interested, send your resume. So finally, after clearing 5 coding rounds and 1 googliness round, I joined Google on 13th of June 2022 as a Noogler. So the first month was full of trainings, क्योंकि Google का खुद का tech stack भी है और एक बहुत ही अच्छा culture भी है। तो हमारी cultural trainings भी होती थी और technical trainings भी होती थी। और मैं ना डेली सोचता था कि यार मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि बहुत कुछ सुना था ऑफिस के बारे में। लेकिन मैं रिमोटली काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग फ्रॉम दिल्ली और मेरी जो वर्क लोकेशन थी दैट वॉज बैंगलोर। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया गुड़गांव ऑफिस जाने का। क्या सुंदर ऑफिस था, मतलब जब आप अपनी ड्रीम कंपनी ज्वाइन करते हो ना तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो गई। लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी, मैं अभी तक अपनी टीम से नहीं मिला था। अब यार फर्स्ट मंथ की जो ट्रेनिंग्स थी वो बहुत यूजफुल थी। ट्रेनिंग्स खत्म करने के बाद मेरी टीम ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई। वैसे तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड्रॉयड, जीमेल, जीपे, गूगल मीट, लेकिन एक प्रोडक्ट जो आप डेली यूज करते हैं, आई एम पार्ट ऑफ द गूगल सर्च टीम। शुरू के मंथ्स आर ऑल अबाउट लर्निंग और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता। सो आई ऑल्सो प्लान्ड अ वीकेंड ट्रिप टू शिमला। बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता आवारा, क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल, क्या सच और क्या फसाने। फिर अगले 2 महीने तक आई केप्ट वर्किंग रिमोटली और ऐसा सच काम में कोई इशू नहीं आया, क्योंकि सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड थी और जब भी जरूरत पड़ती थी आई हैड मैसिव सपोर्ट फ्रॉम माय मेंटर एंड फ्रॉम ऑल माय टीममेट्स। लेकिन यार कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग कि आई एम मिसिंग आउट दैट फन वाला पार्ट। एंड देन आई डिसाइडेड टू मूव आउट। बैंगलोर मेरे लिए एक नई जगह थी और स्टार्टिंग के जो 14 डेज थे ना उसमें मजा ही आ गया, ऑल थैंक्स टू गूगल फॉर द अकोमोडेशन। लेकिन उसके बाद हाउस हंटिंग में जो हालत खराब हुई है ना, फ्लैट मिल नहीं रहा है मेरे को, लिटरली अभी कोई होप्स दिख नहीं रहे हैं। लेकिन एक तरीका है अपने पास, अपनी लिंक्डइन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेहनत से बनाई है, पावरफुल है। देन नए घर में आने के बाद मैंने दोबारा से अपना सेटअप बनाया, कुछ खर्चा भी हुआ, काफी टाइम भी लगा, बहुत टाइम तक वीडियोज भी नहीं बन पाई, लेकिन ये सारी चीजें वर्थ इट थी। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम गूगल ऑफिस इन बैंगलोर और ये ऑफिस भी गुड़गांव वाले ऑफिस से कम नहीं था। यहाँ पर आने के बाद जो बेस्ट चीज़ हुई है वो है टीम कोलैबोरेशन। स्पेशली जब आप नए होते हैं ना, यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर टीम टू बिल्ड दैट बॉन्डिंग। और यार काम भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मतलब आई कुड सिंपली वॉक टू समवन, अगर मुझे किसी से कुछ डिस्कस करना है या पूछना है मैं सीधा उनके पास उठ के जा सकता हूँ और 2 मिनट में चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। एंड आई कुड एक्चुअली फील द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग रिमोट एंड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई वर्कड ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। आई हैड अ गुड लर्निंग कर्व एंड इन डिसंबर 2022 फ्रॉम नूगलर आई बिकेम गूगलर। अब यार ये गूगलर और नूगलर क्या है? सो व्हेन यू ज्वाइन गूगल यू आर नॉट कॉल्ड अ गूगलर, 6 महीने के लिए यू आर न्यू टू गूगल सो यू आर कॉल्ड अ नूगलर। इसके बाद आई वॉज असाइंड विद अनदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। अब यार विद न्यू प्रोजेक्ट कम्स न्यू चैलेंजेस एंड यू नेवर गेट बोर्ड। और यहाँ पर ना एक चीज़ को करने के 10 तरीके होते हैं, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द बेस्ट वे पॉसिबल। अब यार काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया आप कोड किस लैंग्वेज में करते हो, सो आई कोड इन C++ एंड जावा एज वेल। एंड वी मेक श्योर दैट वी फॉलो द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, जिससे कि हमारा जो कोड है वो एफिशिएंट हो एंड रीडेबल हो। काम के साथ साथ आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फन एक्टिविटीज एंड टीम आउटिंग्स और आई ऑल्सो लर्न टेबल टेनिस टू सम एक्सटेंट। अब यार वर्क आवर्स की बात करते हैं, तो वैसे तो सबके अपने अपने वर्क आवर्स हैं, लेकिन वॉट आई डू इज आई ट्राई टू रीच ऑफिस अर्ली। उसके 2 रीजन्स हैं। पहला रीज़न,
ऑफिस में जो ब्रेकफास्ट मिलता है ना वो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, सुबह सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो मुझे ऑफिस जाने में टाइम कम लगता है। ऑल्दो हमारे पास कैब फैसिलिटी है, गूगल की कैब ही पिकअप करने के लिए आती है, बट स्टिल यार कैब के अंदर एक घंटा वेस्ट क्यों करना है? अगर मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा तो मेरा आधा घंटा बच जाएगा। सो आई लीव माई होम एट 8 AM, आई रीच टू द ऑफिस एट 9 AM एंड आई लीव माई ऑफिस एट 5 PM। हमारे यहाँ पर जो भी डिस्कशंस होते हैं, बी इट अ प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्कशन और अ प्लानिंग, सभी की बात सुनी जाती है, सभी के आइडियाज़ कंसिडर किए जाते हैं और सभी के सजेशंस माने जाते हैं। सो एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दोज डिस्कशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप बस कोड ही करते रहेंगे, आप लोग प्लानिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोग प्रोडक्ट वाले डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिज़ाइन डिस्कशंस एज वेल। सो एज एन इंजीनियर यू शुड हैव एन एंड टू एंड आइडिया कि आप क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और इसको बनाने से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मुझे इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फ्रॉम राइटिंग कोड टू क्रिएटिंग डिज़ाइन डॉक्स टू मॉनिटरिंग। आई गॉट अ वेरी गुड मेंटर एंड आई वर्क विद बेस्ट माइंड्स। सो दिस ईयर वॉज इन डीड द बेस्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड ओवरऑल ग्रोथ। और अगर मेरी टीम से ये कोई वीडियो देख रहा है ना, सो थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर मेकिंग दिस जर्नी वंडरफुल। आई एम ग्लैड दैट आई एम वर्किंग हियर एट माई ड्रीम कंपनी एंड आई नो दैट कमिंग ईयर्स हैव अ लॉट मोर टू ऑफर। सो दिस वॉज माई 1 year एट गूगल। आई होप यू एन्जॉयड इट। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड।